Hi everyone, I'm Avneesh Dhariwal. Those of you who do not know me, I qualified the judicial exams of Delhi and UP. First of all, a very happy Holi to all of you. I hope the Holi had been wonderful for you people. And today's topic is that why you are consistently not able to secure the exam. आप कंटिन्यूअसली क्यों फेल हो रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली क्यों जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल से 4 साल से लगे पड़े हैं एंड समवेयर दे आर लैकिंग एंड दे आर नॉट एबल टू सक्सीड. तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है हु आर कंसिस्टेंटली फेलिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम डेस्पाइट वर्किंग हार्ड. नाउ कमिंग ऑन द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में यू ऑल नो दैट देयर आर 3 स्टेप्स. प्री एग्जाम इज देयर, मेन्स एग्जाम इज देयर एंड इंटरव्यू एग्जाम इज देयर. सो फर्स्ट स्टेप इज टू नो कि आपकी कमी कहाँ हो रही है, आप कहाँ पे कमी कर रहे हैं. बहुत से लोग होंगे जो कि प्री ही शायद क्रैक नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो प्री क्रैक कर लेते हैं लेकिन मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू में जिन्हें काफी कम मार्क्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर वीकनेस, आपकी वीकनेस कहाँ पे है. क्या प्री के लिए आपकी वीकनेस है, मेंस के लिए आपकी वीकनेस है, या फिर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते. फोकस के आपकी कमी है कहां. अगर प्री आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको क्या करना चाहिए इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द प्री एग्जाम. देखो प्री एग्जाम जो होता है इट इज मोस्टली टेस्ट ऑफ मेमोरी एंड बेरेक्ट. आप बेरेक्ट से चीजों को पढ़ते हो, उसमें बहुत चीजें आपको रिमेंबर करनी पड़ती हैं. आपको डिटेल एनालिसिस प्री के लिए नहीं चाहिए होता है, बट आपको चीजें याद होनी चाहिए कि ये चीज इस सेक्शन में दी हुई है, इस सेक्शन में ये कीवर्ड दिया हुआ है. समटाइम्स दे आस्क अबाउट रीसेंट केस लॉज. तो प्री के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बेयर एक्ट पे बार बार फोकस करो, बेयर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ो. प्री में ज्यादा सेक्शंस को पढ़ना होता है प्री के लिए, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ना होता है. और प्लस आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें किसी अच्छी बुक से. एक अच्छी बुक का स्टैंडर्ड भी मैं आपको ये बताता हूं कि कोई बुक जस्ट मोटी है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो. हो सकता है उसमें इरेलीवेंट क्वेश्चंस ज्यादा हो. एक बुक अच्छी वो होगी जिसमें कि रिलीवेंट क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, जिसमें कि मिस्टेक्स कम है. तो आप उस चीज को ध्यान में रखें. मैं जैसे कि सजेस्ट करता हूं मिस्टर गुप्ता की बुक है जो यूनिवर्सल की आती है जो है वो आप रेफर कर सकते हो. विनय कुमार गुप्ता जो है जो कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है दिल्ली में, उनकी बुक जो है बहुत अच्छी है. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो उस पर आप जो है फोकस कर सकते हैं, उस बुक को जो है ले सकते हैं. उसमें मिस्टेक्स बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत रिलीवेंट है. अगर प्री की बात करें प्लस बेरेक्ट को सबसे ज्यादा बार रिवाइज करो, क्योंकि प्री का जो गेम है वो बेरेक्ट से ही ज्यादातर होता है. बहुत ज्यादा अंदर आपको नहीं जाना होता है. प्लस आपको जीके पे फोकस करना होगा डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट्स एग्जाम यू आर टेकिंग. जीके जनरली थोड़ा बहुत पोर्शन जीके का जरूर आता है किसी भी एग्जाम में. तो अगर जीके के 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली यू वुड लूज. जीके के लिए तैयारी थोड़ी सी रखो, बहुत डिटेल तैयारी की जरूरत नहीं है. ये जो है स्टेट पीसीएस या आईएएस का एग्जाम नहीं है जिसमें कि बहुत अलग से तैयारी करनी पड़े. बेसिक्स अपने क्लियर रखो क्या हो रहा है. या स्टेटिक जीके में मिसेलिनियस जो पार्ट होता है, इंडिया का, इंडिया ने कोई काम सबसे पहले किया हो, पहला इंडिया का स्पीकर, इस टाइप की चीजें. प्लस आपको कई बार जो है कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर और इंग्लिश भी आती है. एमपी के एग्जाम में कंप्यूटर आता है, हरियाणा के एग्जाम में थोड़ी इंग्लिश पूछते हैं हरियाणा और दिल्ली में. तो आप उसके लिए भी एक अच्छी सी बुक रेफर करो. बहुत ज्यादा किताबें इस चीज के लिए मत लो, लेकिन एक बुक लो और उसके कुछ रिविजन्स करो. तो उससे भी आपको जो है फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, और यू वुड बी एबल टू क्रैक द प्री एग्जाम. प्री एग्जाम के लिए ये हो गया. नाउ कम टू द मेंस एग्जाम. अगर मेंस एग्जाम में आप जो है नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिपेंड करता है कि आपके नोट्स कहाँ से हैं. अगर आप क्या किसी कोचिंग के नोट्स ले रहे हैं, वो कोचिंग कितनी रिलायबल है, या फिर आपने अगर अपने नोट्स बनाए हैं तो आपने कितने अच्छे ढंग से नोट्स बनाए हैं, कितने अच्छे ढंग से आपने चीजें समझी हैं. अगर किसी कोचिंग के नोट्स आपने लिए हैं तो मे बी दे आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. ट्राई टू टेक द नोट्स ऑफ समबडी एल्स, किसी और फ्रेंड से अपने हेल्प लो, कोशिश करो. या फिर किसी और कोचिंग के नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो सकते हैं तो टेक दैट नोट्स. मतलब जो आपका मटेरियल है ना, हो सकता है दैट मे नॉट बी वेरी गुड मटेरियल, क्योंकि आप सीधे कॉलेज से आते हैं, आपको नहीं पता होता कि किस मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है. जब तक आप कंपेयर ना करो 2-3 मटेरियल्स को तो यू वॉन्ट बी एबल टू नो. कोई भी कोचिंग है
वो आपको पढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि वो बहुत अच्छा मटेरियल है कि नहीं है. मे बी द मटेरियल इज नॉट दैट गुड, यू नीड टू चेंज दैट मटेरियल. कोशिश कर सकते हो, अगर अभी तक कोई बुक रेफर नहीं की है नोट्स के साथ अपने, तो मे बी ट्राई टू रेफर सम बुक और कुंजी और दुग्गी वट एवर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा मटेरियल जो है आप जो है रेफर कर सकते हो. उससे आपको कहने की कंसेप्चुअली हेल्प मिलेगी, आपको लिखने में आसानी होगी, मे बी यू वुड गेट टू नो मोर केस लॉज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ये सब चीज़ें जो है आपकी आपको हेल्प करेंगी. नोट्स का भी आप सेवरल टाइम्स रिवीजन करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, दैट वुड वर्क फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू एग्जाम, इंटरव्यू पार्ट. इंटरव्यू इज मोस्टली ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इंटरव्यू में ये भी देखा जाता है कि क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आपका एटीट्यूड क्या है. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज नॉट टू प्रिटेंड. इंटरव्यू में आपको ना कहा जाता है कि आप बी कॉन्फिडेंट, शो योर सेल्फ लाइक दिस दैट, डोंट डू दैट, बी ओरिजिनल. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. देखो अपनी पर्सनालिटी को आप चेंज करो, अगर आप शाई नेचर के हो और आप जो कंसिस्टेंटली अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करते हो और उसे चेंज कर लेते हो, आउटगोइंग बना लेते हो, सोशल बना लेते हो, दैट्स वन थिंग. लेकिन अगर ऐसा चेंज आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो वहां पर प्रिटेंड मत करो. अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो लेट इट बी रिफ्लेक्टेड इन योर डिमीनर. आप उसे शो करो, कोई बात है, आप नर्वस हो तो बी नर्वस. आप नर्वस हो और आप दिखा रहे हो अपने आप को कॉन्फिडेंट, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फिर उस चीज का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो बेटर है आप जैसे हो ना वैसे रहो, वहां पे अपने आप को चिल रखो, कोशिश करो. इंट्रोवर्ट हो तो बिहेव लाइक एन इंट्रोवर्ट, बिहेव लाइक एन इंट्रोवर्ट. उससे ये होगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो गलत नहीं बनेगा आपकी पर्सनैलिटी से. सपोज आप अंदर आए, आप बहुत शान से चलते हुए आए, बहुत अच्छे ढंग से चलते हुए बैठे, लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, बहुत आउटगोइंग सोशल बंदा है, लेकिन फिर जो है दो चार क्वेश्चन पूछे, जब उसके जवाब आपको नहीं आए तो आपकी रियल पर्सनालिटी उनके सामने आएगी और फिर अगेन इट वुड हार्म यू. तो इससे इंटरव्यू में भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी. अगेन इंटरव्यू का परसेंटेज कम होता है बट एक एक मार्क्स काउंट करता है, तो कोशिश करें. देखो कहीं भी आपको कुछ भी अगर अचीव करना है तो उसके लिए सिर्फ हार्डवर्क इनफ नहीं है, उसके साथ डायरेक्शन जो है आपका वो सही होना चाहिए. हार्डवर्क इज लाइक इसेंशियल क्वालिफिकेशन. जैसे कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए LLB इसेंशियल है, हार्डवर्क इसेंशियल है, लेकिन हार्डवर्क के साथ में आपको डायरेक्शन भी आपका सही होना चाहिए, तभी आप सक्सीड कर सकते हैं. इसके साथ नेगेटिव थिंग्स को अफेक्ट मत करने दो. बहुत सारी अफवाहें उठती रहती हैं, ऐसे सिलेक्शन होता है, वैसे सिलेक्शन होता है, सिर्फ होम स्टेट वालों का सिलेक्शन होता है, बाहर वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. डोंट गो ऑन दैम, डोंट फॉलो दीज एडवाइजेस, डोंट फॉलो दीज सजेशंस. ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हार्डवर्क करते हो यू वुड डेफिनेटली सक्सीड. इन अफवाहों पर, इन नेगेटिव थिंग्स पे ना जाएं. प्लस आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी लक भी जो है आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है, डू स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, डू हार्डवर्क. अगर आप हार्डवर्क करते हो यू कैन चेंज इवन योर फेट, यू कैन चेंज इवन योर लक. आप अपनी लक को बेटर बना सकते हो. हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन कैन चेंज इवन योर फेट. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये बिल्कुल सच बात है. सो विद दिस तैयारी करो, अपने जो क्वेश्चंस हैं इस कमेंट्स में लिखो. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, कुछ चीज़ों को मैं वीडियो में टेकअप करता हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं कर पाता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. जो दिक्कत है अपनी कमेंट्स में लिखो. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक्स ए लॉट.